राधिका के निकट ग्राम त्रिवड़िया में मतदाता दिवस के दिन कोई अज्ञात वाहन ने एक बंदर को टक्कर मार दी, जिससे उसे मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही इसकी खबर ग्रामीण को लगी, ग्रामीण आन इंफानन से घटनास्थल पर पहुंचे, जहां देखा तब तक वानर राजा दम तोड़ चुके थे। सभी ग्रामीणों ने मिलकर समीप गड्ढा खोदकर उसे विधि विधान से अंतिम विदाई दी। ग्रामीणों की माने तो गाँव के गजानन व्यास ने बताया कि हमारे गाँव में आसपास क्षेत्र में पानी की कमी होने के कारण वन्य जीवन अपनी प्यास बुझाने को गाँव की ओर रुख करते हैं, जिससे आए दिन घटनाएं गठित हो रही हैं। तेज वाहन चलाकर इन जन जीवों को टक्कर मार देते हैं और भाग जाते हैं। प्रशासन का इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। क्षेत्र में पानी की विकल और के कारण वन्य जीवन रोड पार कर जंगल से गांव की ओर आते हैं। ऐसा ही वाकया आज हमारे गांव के समीप घटित हुआ है। हमारे सभी साथियों ने मिलकर वानर राजा का एक गड्ढा खोद कर विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया है। अभी ये जो यहाँ चल रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या हुआ यहाँ, क्या कौन सी घटना हुई है जिसको यहाँ हमारे गांव के ग्रामवासी जो है यहाँ गड्ढा खोदकर ये मट्टी बहा रहे हैं? जी भाई साहब, ये क्या है, चूड़ा रोड सबसे यहाँ चलता है जी, और इस रोड पे आवागमन ज़्यादा है। अच्छा, और लोग अनाप शनाप वाहन चला रहे हैं जी। दो बंदर की यहाँ पर जान चली गई है। किसी गाड़ी वाले ने, अज्ञात गाड़ी वाले ने किसी के बेकाबू होकर गाड़ी को टकरा दिया। बंदर का निकलना हुआ और गाड़ी का टिकट निकलना हुआ, उससे गाड़ी से बंदर टकरा गया। हाँ, और उसकी मौत हो गई। अच्छा, इस भीषण गर्मी में ऐसे वानरों को रोड पर घटनाग्रसित करने में पानी की समस्या है, पानी की गांव में बहुत ज़्यादा समस्या है जी। हमने प्रशासन से कई बार पंचायत द्वारा भी मतलब बहुत हमने मांग की है जी, पर उसके कोई सुनवाई नहीं हुई है जी जी। और उस वजह से बंदर जो भी जानवर है वो कभी पेड़ जो गौ माता भी खत्म हो गई जी, और एक उसका बछड़ा भी खत्म हो गया। हाँ, और पानी की भीषण संकट है ग्राम तिवड़िया, मतलब ग्राम तिवड़िया में पानी का बहुत ही ज्यादा अकाल पड़ रहा है। अकाल पड़ रहा है, प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है जी। हम हमारा काम कर रहे हैं जी, लेकिन प्रशासन का उस ओर ध्यान नहीं है। मतलब इस वजह से इस बंदर की मौत हो गई। पानी के लिए गांव के आसपास आते हैं जी जी, अब पानी की व्यवस्था है नहीं जी जी। मतलब आज तो एक बानर की जान गई है, कल से हमारे यहाँ गाँव में बहुत तकलीफ आ सकती है। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए प्रशासन से आपने, हमारी मांग है साहब कि प्रशासन इस ओर ध्यान देवे। हाँ, और हम तो हमारा काम कर ही रहे हैं जी जी, बाकी हमारे स्थान पर सही है, लेकिन प्रशासन हम पर ध्यान नहीं देगी गाँव में जी जी। यहाँ अखंड रावण पाठ चल रहा है 24 साल से 25 साल से जी जी। और ऐसे में हनुमान जी के जो हाँ वाहन क्या उनका हनुमान रूपी है बानर राज, हाँ बानर राज हमारे जी, तो उनकी मृत्यु हुई, हमको बहुत ज़्यादा उसका दुख है जी जी। और हम सब गाँव वाले मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं जी जी जी। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बानर राज को आत्मा को शांति मिले, और हमारे यहाँ गांव सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि गांव की वजह का ध्यान देते हुए और हमारी मांग को पूरी करें, पानी की व्यवस्था करवाए जी। जबकि यहां पर पास में इतना अच्छा पेड़ ट्यूबवेल करवा रखा पंचायत ने, और उसमें पाइपलाइन नहीं डली अभी जी, मोटर वगैरह साथ डली हुई है वहाँ पे। हाँ हाँ, पर लाइट की व्यवस्था भी वहाँ पर हो रही है, बाकी पानी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मवेशी और हमारे बानर राज की मृत्यु हो गई है। अच्छा, हेलो, ठीक है, धन्यवाद।